हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। मैं हूं शिवानी और आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य विधान मंडल। जैसे हमारे केंद्र में संसद होती है, संसद जो कानून वगैरह बनाती है, उसी प्रकार से हमारे राज्य में विधान मंडल होती है। ठीक है, हमने संसद के बारे में पहले वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे और नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे हमारी संसद होती है, संसद के जो दो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है, उसी तरह से राज्य में राज्य व्यवस्थापिका यानी के विधान मंडल होती है और उसके भी उसी प्रकार से दो सदन होते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के जैसे होता है, विधान परिषद विधानसभा से मिलकर के हमारी विधान मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, केंद्र में हमारी संसद होती है उसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है और ये राज्य में होती है हमारी विधानमंडल, इसको थोड़ी कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज हम विधानमंडल को अच्छी तरह से पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके। जो कुछ भी आपके एग्जाम में आने वाला है, उन सब चीज़ों को मैं सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करूँगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राज्य व्यवस्थापिका जिसे विधानमंडल कहते हैं। राज्य व्यवस्थापिका, ठीक है, इसे विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, विधानमंडल की हम बात करें तो विधानमंडल का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 6 के आर्टिकल 168 में दिया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 168 में, ठीक है, इसका उल्लेख है। वैसे इसका उल्लेख 168 से लेकर के 212 तक में है, हमारी विधानमंडल 168 में है। हमारे जो विधानमंडल का निर्माण होता है, जिस प्रकार से संसद का संसद लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है और राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी दो सदन से मिलकर के बनती है, विधान परिषद और विधानसभा। और जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद में अभिन्न अंग होता है, वैसे ही यहाँ पर भी हमारा राज्यपाल होता है जो कि अभिन्न अंग होता है, राज्यपाल। ठीक है, विधानमंडल का उल्लेख आर्टिकल 168 में दिया गया है और विधान परिषद की बात करें तो इसका 169 में है और विधानसभा का 170 में। ठीक है, तो क्रमवाइज ये याद हो जाएगा, ये 68 में है, ये 169 में है, ये 170 में है। ठीक है, इस प्रकार होता है। हमारे विधानमंडल की बात करें तो हमारे विधानमंडल टोटल हमारे भारत में 31 है। ठीक है, विधानमंडल हमारे दो प्रकार की होती है, एक सदनीय और दो सदनीय। विधानमंडल हमारे दो प्रकार की होती है, एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय तो वो हो गई जिसमें एक सदन आएगा इसका, एक सदन यानी कि हमारा इसमें आता है विधानसभा, और द्विसदनीय जिसमें दोनों सदन आ जाएंगे वो हमारी दो सदनीय हो जाएगी यानी कि विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, और राज्यपाल इसमें अभिन्न अंग की तरह रहेगा, इसमें भी और इसमें भी विधानसभा एक सदन यानी कि एक सदन होगा और साथ में राज्यपाल इसमें अभिन्न अंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। मैंने भी आपको बताया कि हमारे जो विधानमंडल है ये भारत में टोटल 31 है। ठीक है, 31 जिसमें से विधानमंडल हमारी 29 तो राज्यों में है और दो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी में है। जो दो यूटी में है ये है हमारी दिल्ली में और दूसरी हमारी पुदुचेरी में। ठीक है, इस प्रकार है। तो हमारे विधानमंडल 31 में है जिसमें से इस प्रकार से ये है। तो विधानसभा तो आपको 31 पूरे मिलेगी, लेकिन अगर हम द्विसदनीय की बात करें, द्विसदनीय की बात करें तो ये केवल और केवल 7 राज्यों में ही है। यानी कि हमारा विधान परिषद जो है
क्योंकि एक सदनीय विधानसभा तो सब में ही है, लेकिन जो विधान परिषद है ये केवल 7 राज्यों में है, ठीक है। यानी हमारा द्विसदनीय विधानमंडल 7 राज्यों में है। तो ये हो गई इसकी बात। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो किन किन 7 राज्यों में है, तो विधान परिषद, क्योंकि हमारा थोड़ा छोटा टॉपिक है इसलिए पहले हम विधान परिषद पे ही बात कर लेते हैं, विधानसभा को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज हम विधान परिषद पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आज इसको आपको बता देती हूँ। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद की बात करें तो ये केवल 7 राज्यों में ही है, मैंने अभी आपको बताया। तो वो किन किन राज्यों में है उसको मैं आपको बाद में बता दूँ, पहले हम इसको देखते हैं कि इसका जो गठन होता है वो किस प्रकार से होता है। विधान परिषद के पहले उपनाम जान लेते हैं कि इनको किन किन उपनामों से, जैसे कि हमारे संसद में राज्यसभा, राज्यसभा को कई उपनामों से जाना जाता था, उसी प्रकार से ये राज्यसभा के जैसा ही है हमारा विधान परिषद। तो इनके भी जो उपनाम है वो उससे मेल ही खाते हैं, यानी कि इसे विधानसभा का उच्च सदन कहते हैं, जैसे कि संसद का उच्च सदन था हमारा राज्यसभा, उसी प्रकार ये विधानसभा विधानमंडल का उच्च सदन है। 7 ही ये स्थायी सदन भी है। स्थायी सदन भी होता है, स्थायी सदन इसी वजह से होता है क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये भंग नहीं होती है। कैसे कि इसका जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं, तो इस प्रकार से इसका विघटन नहीं होता, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार इसको भंग नहीं किया जा सकता, इस वजह से ये स्थायी सदन भी है। साथ ही इसे द्वितीय सदन कहते हैं। और इसे संसद के द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है, यह संसद द्वारा समाप्त भी की जा सकती है। इसे समाप्त करने की बात आ गई है तो इसको हम जान लेते हैं कि इसे समाप्त किस प्रकार से किया जाता है, या फिर अगर ये हमारे केवल 7 राज्यों में ही है, अगर किसी और राज्य में भी विधान परिषद का निर्माण करना है, गठन करना है, तो किस प्रकार होता है इसका उल्लेख, इसका गठन करना या फिर इसका इसको समाप्त करना है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 169 में दिया हुआ है। आर्टिकल 169 में इसकी गठन प्रक्रिया, इसको गठन करना या फिर इसे समाप्त करना, इसकी प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 169 में दे रखा है। गठन या फिर इसका समाप्त, इसका समापन या इसे किसी राज्य से समाप्त करना है तो किस प्रकार से होगा, इसका गठन करने या फिर इसको समाप्त करने के लिए लोकसभा के सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होगा। लोकसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत, बहुमत से इसे पारित किया जाएगा। यहां से पारित होकर के ये फिर जाएगा संसद के पास। संसद में लोकसभा और राज्यसभा से इसे पास किया जाएगा। इसमें वही कंडीशन होगी जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी बिल वगैरह जब पास होता है 50%+1 बहुमत के साथ होता है, उसी प्रकार से लोकसभा से 50%+1 बहुमत के साथ पास होगा, राज्यसभा से भी 50%+1 बहुमत के साथ पास हो जाएगा। यहां से पास होने के बाद फिर संसद से जब भी पास हो जाता है फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और फिर जब राष्ट्रपति इस पर अपना हस्ताक्षर कर देगा तो फिर अगर इसे गठन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है तो इसका गठन हो जाएगा, और अगर समाप्त करने के लिए किया गया है तो इस प्रकार से ये समाप्त हो जाएगा। तो इसे गठन करना या फिर इसका समाप्त अगर करना है तो उसे इस प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी कि लोकसभा के 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, फिर संसद के पास जाएगा, फिर संसद के दोनों सदन से पास किया जाएगा, देन फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, और फिर राष्ट्रपति जब इस पर हस्ताक्षर कर देगा, अपनी मंजूरी दे देगा, फिर इसका गठन या फिर समापन जो भी प्रस्ताव पास किया गया वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसमें सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसका वो किस प्रकार से, मतलब कितनी संख्याएं उनकी होती हैं, ठीक है, इसकी संरचना यानी कि हम देखते हैं।
चलिए इसकी संरचना देखें कि सीटों को किस प्रकार से रखा जाता है। सीटें जो हमारे विधान परिषद की सीटें होती हैं, ये लोक सॉरी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका टोटल का 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कितना, एक मिनट, सॉरी गाइज, ये लोकसभा नहीं, ये था हमारा विधानसभा। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे गठन करने या फिर इसे समाप्त करने की प्रक्रिया को यहाँ से पारित किया जाएगा, फिर ये संसद के पास जाएगा, फिर इसमें जाएगा। सॉरी, क्योंकि संसद से ये मेल खाता है इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई है, तो माफ़ करना, ये विधानसभा है। ठीक है, तो यही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि विधानसभा जो होती है, विधानसभा की जो टोटल सीटें होती हैं उसका 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद की सीटें नहीं हो सकती हैं। विधानसभा की जो कुल सीट होगी, कुल सीटों का 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगी विधान परिषद में सीटें। ठीक है, ये तो हो गई अधिकतम की बात। न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम उसमें कितनी सीटें हो सकती हैं विधान परिषद में, तो लोग 40 से नीचे विधान परिषद में सीटें नहीं हो सकती हैं। कितने से, 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो विधानसभा में जितनी सीटें होंगी उसका 1/3 निकालेंगे और उससे ज़्यादा विधान परिषद में सीटें नहीं होंगी, 40 से कम सीटें नहीं होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने अभी बताया कि 7 राज्यों में विधान परिषद है, उनमें से एक राज्य हमारा ऐसा है जिसमें एक अपवाद है। कौन है वो? जम्मू कश्मीर, J&K। जम्मू कश्मीर में 36 सीटें हैं, ये एक अपवाद है। ठीक है, इसको आप याद रखना। बाकी मैं बताऊं तो 40 से नीचे सीटें नहीं होती है विधान परिषद में। और 7 राज्यों की बात हो रही है तो 7 राज्यों का मैं आपको बता देती हूं कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो एक तो हो गया हमारा जम्मू कश्मीर जहाँ 36 सीटें हैं, दूसरा है हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, तीसरा है हमारा बिहार। वैसे क्रमवाइज नहीं है, इसे आप जैसे चाहे याद कर सकते हैं, मुझे इस तरीके से याद है तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है क्रमवाइज में ही है। ठीक है, तो बिहार से हम बात करें तो बिहार से यहाँ पर 75 सीटें, और कर्नाटक में है, कर्नाटक में 75 सीटें हैं विधान परिषद की, और महाराष्ट्र में 78, और नेक्स्ट हमारा 6 और 7 7 राज्यों में है, तो हमारा आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में है 50, और 7th है हमारा तेलंगाना, तेलंगाना से है 40 सीटें। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 7 राज्यों में विधान परिषद हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा इसका गठन अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है, तो विधान परिषद को गठित करने के लिए प्रस्ताव अन्य राज्यों में भी पेश किए गए हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से राज्य हैं। एक तो हो गया हमारा राजस्थान, राजस्थान में विधान परिषद को का गठन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, लेकिन वहां पर है नहीं, प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा है हमारा असम, असम की बात कर ले तो 2013 में असम के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि असम में विधान परिषद होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर 78 सीटों का प्रावधान है, ध्यान रखना प्रावधान है। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं है। ठीक है, जब तक, क्योंकि ये कानून बन नहीं जाता है, जब तक वो कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं, घट या बढ़ भी सकती है। तो 78 इसका प्रावधान किया गया है लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। इसके अलावा हमारा उड़ीसा, उड़ीसा भी ऐसा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद को लागू या फिर उसका गठन करने का प्रावधान किया जा चुका है, और यहाँ पर 49 सीटों का प्रावधान रखा गया है बट कन्फर्म नहीं है।
ठीक है। और इसके अलावा कौन है, एक तो गया राजस्थान, उड़ीसा, असम हो गया, और मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बताऊं। तमिलनाडु की बात ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि मैं इसको बताती हूँ कि 1986 तक विधान परिषद यहाँ पर थी, लेकिन 1986 के बाद यहाँ से विधान परिषद हटा दी गई थी, यानी कि समाप्त हो गई थी। कब हुई थी? 1986 में। इसके बाद 2010 में, यानी 2010 में इसको दोबारा से इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। 2010 में इसके लिए प्रस्ताव रखा गया है कि तमिलनाडु में विधान परिषद फिर से होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सीटों का प्रावधान जो है, सीटों का प्रावधान 42 है, पर कंफर्म नहीं है, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपके एग्जाम के करंट के लिए इस टाइप के ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। तो हमने जान लिया है कि हमारा जो है ये किस प्रकार से होता है, किन किन राज्यों में हमारे विधान परिषद हैं, और इनका गठन की प्रक्रिया क्या है, समाप्त करने का क्या है। इसके बाद हम देखते हैं विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। उसकी निर्वाचन प्रक्रिया को देखते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा? निर्वाचन इनका 1/3, नंबर 1, नंबर 2 1/3, और 1/12, 1/12, इन पांच प्रकार से इसका इसके विधान परिषद की निर्वाचन प्रक्रिया होती है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ। कहाँ कहाँ से किस प्रकार से होती है? 1/3 तो एमएलए द्वारा एमएलए द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। एमएलए यानी कि स्थानीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है, 1/3 यहां से होगा। और 1/3 सरकारी कर्मचारी के द्वारा होगा, ठीक है। उस स्थान के, जिस राज्य में विधान परिषद लाई जा रही है वहां के जो कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी, उनके द्वारा 1/3 का निर्वाचन होगा। और ये सरकारी कर्मचारी इसमें आ जाते हैं हमारे जिला पंचायत या फिर जल बोर्ड वगैरह, है ना, ये लोग आ जाते हैं। 1/12 ये होंगे हमारे सरकारी शिक्षक द्वारा, सरकारी शिक्षक। ध्यान रहे कि जो ये सरकारी शिक्षक होंगे इनको कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 3 साल का अनुभव हो, और ये याद रखना कि सरकारी शिक्षक ही होने चाहिए, निजी या फिर निचले स्तर के विद्यालय के नहीं होने चाहिए, ठीक है, सरकारी शिक्षक ही होने चाहिए। और हमारे 1/12 आते हैं स्नातकों द्वारा, स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हों, और उसमें से भी जो 3 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हों, स्नातकों द्वारा जो 3 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1/6, ये होते हैं हमारे राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा उन्हीं क्षेत्र में ये किए जाएंगे जो कि होते हैं हमारे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल जगत, है ना, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से राज्यपाल 1/6 का निर्वाचन करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी निर्वाचन प्रक्रिया। इस प्रकार से हमारे सदस्यों का निर्वाचन, सॉरी, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए होती हैं, आइए उसको देखते हैं। इसको मिटा देती हूँ मैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, और नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे करके फिर से लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें सदस्य बनने के लिए विधान परिषद की योग्यताएं क्या क्या चाहिए। योग्यताएं, पहली बात तो यही कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए,
ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा या फिर राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदस्य का अगर सदस्य बनता है सदन का, तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसके कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष। विधान परिषद हमारा राज्यसभा जैसा ही है, जैसे कि संसद में राज्यसभा होती है, उसमें भी यही प्रक्रिया होती है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र चाहिए होती है, उसी प्रकार से विधान परिषद के का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। और विधानसभा जो है हमारा लोकसभा जैसा होता है, जैसे लोकसभा में 25 वर्ष चाहिए उसका सदस्य बनने के लिए, वैसे ही विधानसभा में 25 चाहिए। और जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए, वैसे ही राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होता है, तो ये सेम ही होते हैं, ठीक है। तो इसको 30 वर्ष का होना चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। और क्या होना चाहिए, ये पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्र के मतदाता सूची में इसका नाम होना चाहिए, और निर्वाचन के समय यानी कि चुनाव के समय इसका ये संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके ये योग्यताएं होती हैं। मैंने इसकी निर्वाचन प्रक्रिया आपको समझा दी कि इनकी निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, किन किन 7 राज्यों में ये है, और इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। एक चीज़ हमारा छूट गया है कि विधानमंडल के जो ये सदस्य होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, इनके सदस्यों का जो इनके सदस्यों को सदस्यता इनकी समाप्त भी की जा सकती है। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि विधानसभा, सॉरी विधानमंडल के जो पद होते हैं विधान परिषद विधानसभा के, इनकी सदस्यता समाप्त किस प्रकार से की जा सकती है। विधानमंडल के पदों की सदस्यता, रिक्त या फिर समाप्त होना, समाप्त किन स्थितियों में की जा सकती है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला तो कि वो दोहरी भूमिका ना निभा रहा हो, दोहरी भूमिका कैसे होगी, जैसे कि कोई सदस्य जो है वो विधान परिषद या विधानसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है, किसी एक का ही सदस्य होगा। अगर कोई सदस्य विधान परिषद या विधानसभा दोनों का सदस्य है, तो विधानमंडल द्वारा एक सदन से उसका उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोहरी भूमिका नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या होगा कि त्याग पत्र अगर दे दे कोई सदस्य अगर अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे देता है, तो फिर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। अगर विधान परिषद से वो विधान परिषद में अगर त्याग पत्र दे देता है, तो फिर वो उसकी सदस्यता विधान परिषद से समाप्त हो जाएगी। विधानसभा के अगर वो अध्यक्ष को दे देता है, तो फिर वहां से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और क्या प्रक्रियाएं होती हैं कि इसे जो है न्यायालय द्वारा अगर अयोग्य घोषित कर दिया जाए, न्यायालय द्वारा निर्वाचन अयोग्य घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। और होता है हमारा कि अगर किसी सदस्य द्वारा राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर ले, तो ऐसी स्थिति में इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, पद ग्रहण कर ले। किस प्रकार के पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। अगर इनमें से किसी की सदस्यता वो धारण कर लेता है या ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर 60 दिन तक बिना किसी सूचना के कोई सदस्य अनुपस्थित होता है सदन में, 60 दिनों तक अनुपस्थित हो बिना किसी पूर्व सूचना के, ठीक है, बिना किसी पूर्व सूचना के अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये होती है विधानमंडल के जो विधान परिषद विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनकी सदस्यता को समाप्त भी इस प्रकार से किया जा सकता है।
तो इस प्रकार होता है। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, उम्मीद करती हूँ आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो विधानसभा पे रहेगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपको बताऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसी के साथ तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए, स्टडी दिमाग से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।